गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश कमाल वीडियो में। तो आज है संडे, तो आज हम निकल चुके हैं डुमस के लिए, डुमस बीच के लिए। तो घर पे थे इतने दिनों से, कहीं गए नहीं थे, सोचा आज वहाँ टहल तो आते हैं। वहाँ पे फेमस एक भजी वाला भी है, वहाँ पे जा रहे हैं और थोड़ा बीच पे भी जाएंगे, थोड़ा शूट वूट करेंगे। तो मेरे साथ में मेरे दो भाई और एक दोस्त है, वो भी भाई के बराबर ही है, तो मिलवाते आपको उनसे भी। और आज मैंने श्याम मंदिर से राइट लिया, क्योंकि मैं वो रूट दो तीन बार दिखा चुका हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कुछ नया रूट लेते हैं। सुबह सुबह साइकिल चलाते हुए कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सोचा आज नया रूट लेते हैं, तो आपको भी थोड़ी बोरियत महसूस नहीं होगी। तो ये रूट आपके लिए नया है, मेरे लिए तो पुराना ही है। और दोस्तों बताओ, आप अपना संडे कैसे स्पेंड करने वाले हो? मैंने तो आज का पूरा प्लान बना दिया है। सुबह बीच पे, वहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर घर पे आएंगे, फिर फैक्ट्री जाएंगे। तो बाइक के रिलेटेड भी एक वीडियो बनाना है, तो मे भी हो सकता है मैं बीच पे शूट करूँगा, आज सुबह ही करूँगा। और अगर सनराइज़ नहीं हुआ होगा तो आपको वो भी दिखाऊँगा टाइम लैप्स में। अनुरोध द्वार विच इज़ वेरी फेमस और राइट मेंटेनर का पेट्रोल पंप, हमको यहाँ से जाना है लेफ्ट, तो चलो चलते लेफ्ट। वो बोल रहा है वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरे लेफ्ट में रॉयल एनफील्ड का शोरूम, यहाँ से मैंने अपनी ये मीडियोर परचेज़ की थी। और इसके बाजू में हार्ले डेविडसन का भी शोरूम था, जिसकी जगह पे भी पतंजलि स्टोर आ चुका है। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो आपको रेड कलर के जो फ्लावर दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे राइट में, इनको मैंने और मेरे भाई ने मिलकर बनाया है। क्योंकि आपको याद होगा तो मोदी जी दौरा करने आए थे 2018 में, यहाँ पे रोड शो था उनका। तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे पास आए थे, बोले यार हमको अर्जेंट चाहिए करके, मोदी जी आने वाले हैं। तो मैं बोला मोदी जी आने वाले हैं तो हमारा भी कुछ डिज़ाइन देखेंगे। तो उनको एक्चुअली पता तो नहीं है कि किसने बनाया है, लेकिन देखेंगे तो सही, उनकी नज़रों में तो आएगा कि नहीं वाह ये भी अच्छा बना है। तो हमने रात को 12 बजे तक पूरा इसके लिए काम किया था, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमने इनको कंप्लीट करके दिया था, वो जो रेड कलर के फ्लावर्स है वो वाले। तो यहाँ से आप राइट जाओगे तो आएगा हजीरा, और लेफ्ट जाओगे तो आएगा हाईवे। एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने एक बार यहाँ से खड़े होके इसकी पिक ली थी रात में। ये ब्राउन कलर की इसमें लाइटिंग है। इसी रोड पे एयरपोर्ट भी है आगे, आपको एयरपोर्ट भी दिखाऊंगा मैं आगे। ब्यूटीफुल सनराइज और ब्यूटीफुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत का। ओके, तो ये देख लो आप, एयरपोर्ट है ये, यहाँ से सन बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, तो सनराइज तो गाइज हो चुका है, तो सॉरी आपको सनराइज नहीं दिखा सके। और अभी सर्दियों का एहसास होने लगा है, ठंडी चालू हो गई है यहाँ पे। कल मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया था, तो गांव में तो बहुत ठंडी है। और मेरे राइट में डीकैथलॉन स्पोर्ट्स फॉर ऑल।
यहाँ से एक सनराइज़ वाली फ़ोटो ले लेते हैं जो आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे। दोस्तों फॉलो ज़रूर करना मुझे, लिंक आ रहा होगा। ब्यूटीफुल सनराइज़, ब्यूटीफुल। ये सुबह और भी ब्यूटीफुल लगता अगर हम लोग थोड़ी सी जल्दी निकले होते। एक्चुअली मैं तो यार 6 बजे उठ गया था, लेकिन ये लोग ही 6:45 आए, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वेलकम टू सूरत, क्या लिखा था? अरे भाई लश्करी तो ये रहा। तो अभी चलते हम बीच पे। एक्चुअली यार मुझे भी बीच पे आए हुए कितना टाइम हो गया, 2020 के बाद तो मैं आया ही नहीं। शायद पानी होगा कि नहीं पास में मुझे आइडिया नहीं है, बट चलते हैं, जो भी है जैसा भी है। गाड़ियों की भीड़ तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे सबसे लास्ट में। खेत, अरे यहाँ पे रोड बना दिया है, पहले यहाँ पे पूरा ऑफ रोडिंग था, गड्ढे ही गड्ढे थे यहाँ पे। वाह, बड़े टाइम बाद आया हूँ तो थोड़ी सी खुशी हो गई। आगे एक मंदिर भी है। आज संडे है तो संडे को मॉर्निंग में देखो कितना क्राउड है। आप अगर यहाँ पे शाम को आओगे तो आपको गाड़ी यहाँ पे पार्किंग की जगह मिलेगी ही नहीं, आपको बहुत बाहर पार्किंग करनी पड़ेगी। सुबह बड़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है यार। मैं बोला का कोई नहीं होगा, सिद्धार्थ सही बोल रहा था, पहले बीच पर आना चाहिए था, उसके बाद वहाँ जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट यहाँ पे तो यार लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। वैसे आज छुट्टी का आखिरी संडे है तो मेरे को लगता है सब लोग उठकर यहीं पे चले आए के। आज तो यार उम्मीद से ज़्यादा क्राउड निकला यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे आज इतने लोग भी होंगे। अभी देखते हैं लास्ट तक कहाँ हमको जगह मिलती है हमारे इस बाइक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ये तो हम शूट करेंगे यहाँ पे, जस्ट द वेरी बेस्ट प्लेस। ओके, तो मिलते हैं आपको सीधा थोड़ी देर बाद में। You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this dark will blast you home. कोई दिक्कत, आप यहाँ पे थोड़े दिनों बाद आओगे तो पानी हो सकता है आपको पास में देखने को मिले, बट कोई दिक्कत नहीं है, शांति यहाँ पे। ऐसे शांति तो नहीं बोल सकते, आज आधा सूरत यहाँ पे, आधा सूरत यहीं पे है। ओके, एक और बात कि ये जो है इंडिया का मोस्ट हंटेड प्लेस है इंडिया में, शायद सर कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे ना, थर्ड नंबर पे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हंटेड जैसा कुछ है नहीं। हम तो यहाँ पे रात को 2 बजे भी आए, 3 बजे भी आए। इनफैक्ट हमने यहाँ पे एक विला लेके बहुत बार यहाँ पे हम रुके भी हैं, लेकिन ऐसा हमको तो कभी कोई आवाज़ सुनाई दी नहीं। क्या हो सकता है हम यहाँ पे रहते तो हमको ऐसे भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। और अलग मज़ा है यार, वाइब्स है यहाँ पे, बीच पे वाइब्स है, पूरी वाइब्स है। तो एक बार हम वहाँ पे चलते, वहाँ पे देखते क्या है। वहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी तो हुई हैं, कि यहाँ पे मिट्टी गीली है तो थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ेगा फिर। ऑल राइट, प्रॉपर बीच पे। ओके दोस्तों, तो पेश आपके लिए डुमस बीच, देख लो।
बहुत ज़्यादा आगे जाने का रिस्क हम लेंगे नहीं, बिकॉज़ अगर गाड़ी फंस गई तो निकालने के लिए दोस्त भी नहीं है हमारे पास। एक बार वहाँ जाते एंड पॉइंट पे, मे भी हो सकता है गाड़ी फंस जाए, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। यहाँ से यू टर्न मारते हैं और चलते आगे, बिकॉज मेरे को फील हो रहा है गाड़ी धस रही है अंदर। तो दोस्तों तो यहीं से देख लो डुमस बीच, अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। अभी हम चलते घर की ओर। यहाँ पे सुबह सुबह फोटो सेशन चालू ही रहता है, ऊँट की सवारी भी कर सकते हो आप, छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना यार, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को करना सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट करके बताना मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।